जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हाजिर हैं जी कि नहीं, बहुत ही ज़बरदस्त डव हंटिंग वीडियो के साथ। आज जी जिस लोकेशन पे हम आए हैं यहाँ पे तीतर भी उम्मीद है हमें मिल जाएगा। अभी कोई इतना ज़्यादा हमने देखा या सुना नहीं है, लेकिन उम्मीद है कुछ ना कुछ हमें ज़रूर मिलेगा। बाकी डव भी इस एरिया में बहुत है, तो लेट्स सी क्या हमारे नसीब में है। बाकी गन वही हम यूज़ कर रहे हैं जी, P-35। इसमें जो है साइड शॉट GoPro 7 ब्लैक लगाए हुए जी, वीडियो रिकॉर्ड के लिए। थोड़ा सा वीडियो में मसला पहले आ रहा था कि ब्लर होती थी ना, क्लियर नहीं, तो वो थोड़ा सा लेंस का इशू है। वो कोशिश हम कर रहे हैं कि कितना क्लियर हो सके इसको क्लियर करें, तो वो अभी मसला पूरी तरह हल नहीं हुआ, लेकिन काफ़ी हद तक जो है ना इसको हमने हल कर लिया। तो चलें देखते हैं जी हमें क्या मिलता है। जी दोस्तों, तो फर्स्ट शॉट हमारा जो है ये तीतर का है जी। बहुत ज़बरदस्त शॉट था, बिल्कुल जो है ना दूर नहीं जा सका, स्पाइन में हिट हुआ तो स्पाइन डिस्कनेक्ट हो गई, फौरन गिर गया। तो फ़िलहाल अभी और कोई नज़र नहीं आया, बोल काफ़ी रहे हैं, लेकिन आगे जाके देखते हैं। जी दोस्तों, तो 80 यार्ड था, थोड़ी सी विंड के लिए मैंने राइट पे रखा, तो बिल्कुल जो है ना शॉट ठीक है, गिर गया जी। जी दोस्तों, तो 85 यार्ड पे ये जो शॉट था हमें एक ज़बरदस्त मिल गया था। आगे काफ़ी ज़्यादा बैठे हैं जी, आगे चलते हैं जी। जी दोस्तों, तो एक दो शॉट मिस हुए, फिर एक हमारा लग गया तकरीबन 85 यार्ड। जी दोस्तों, तो 105 यार्ड है जी, और बहुत ज़बरदस्त शॉट जी। जी दोस्तों, तो 105 यार्ड पे जी एक नेक्स्ट शॉट ज़बरदस्त मिला है जी। काफ़ी दूर था,
थोड़ी सी हवा भी चल रही थी लेकिन एक ज़बरदस्त शॉट हमें मिल गया जी। तो आगे चलते हैं जी, तीतर की आवाज़ आ रही है, एक तो हमने मारा हुआ है पहला शॉट जो है, तो आगे देखते हैं हमें शायद कोई और भी मिल जाए, टाइम तो भी है। ज़बरदस्त शॉट जी, जी दोस्तों तो आज का शिकार हमने दी एंड कर दिया जी, एक तीतर और फाख्ता जो है अल्हम्दुलिल्लाह लिमिट के अंदर हमने मार लिए हैं। तो ये बहुत ज़बरदस्त एरिया जी केपी का, एक साइड पे पंजाब हो जाता है, एक साइड पे केपी के। तीतर की आवाज़ बहुत आ रही है लेकिन टाइम थोड़ा सा कम है हमारे पास, एक तो कुकिंग आज करनी थी लेकिन कुकिंग अब इधर नहीं, घर जाके मैं करूँगा इंशाल्लाह, उसकी वीडियो भी आपसे शेयर करेंगे, उधर ज़बरदस्त कोई रेसिपी ना आपके लिए इंशाल्लाह लेके आएंगे। जो दोस्त एयरगन ख़रीदना चाहते हैं, हमारे पास डिफरेंट वैरायटी के एयरगन्स अवेलेबल हैं जिनकी कीमत 12,000 से लेकर 2,00,000 तक है। दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रابطہ करके आप अपना ऑर्डर लिखवा सकते हैं और डिलीवरी पूरे पाकिस्तान में विद इन 2 to 3 days हो जाती है। जी दोस्तों तो घर हम पहुंच चुके हैं जी, नेक्स्ट डे आज, तो आज हम कुकिंग करेंगे जी, तीतर है और एक फाख्ता है, तो साथ में जी हमने एक जो है आलू को इस तरह स्लाइस के अंदर ले लिए, काटा है, और टमाटर जो है ना इस तरह काटे हैं, और सब्ज़ मिर्च है। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं, और फ्राई पैन एक चाहिए आपको, और ये फ्राइंग पैन के अंदर जो है ऑयल आपको चाहिए। तो ये जी कुकिंग स्टार्ट करते हैं जी। जी दोस्तों तो टमाटर आपने जी डाल लेने हैं, जैसे ही ऑयल थोड़ा सा गर्म हो, ज़्यादा गर्म ना हो तो आपने टमाटर उसमें डाल लेने हैं। एक तीतर है जी और एक फाख्ता है। ये जी इनको फ्राई करना है जी, हल्की आंच पे फ्राई करेंगे तो थोड़ा जो है जलने का जो ख़तरा होता है ना वो कम हो जाता है, क्योंकि ऑयल है तो वैसे भी इसमें ऑयल में जल्दी जो है ना बन जाता है तीतर। तो अभी ये आलू जो है और सब्ज़ मिर्च थोड़ी देर वेट करेंगे, हाफ़ ये फ्राई जब हो जाएगा तो फिर उसके बाद ये डालेंगे। ये जी नमक है और तिक्का मसाला है नेशनल का, ये थोड़ा सा डाल लेंगे जी। ये जी तीतर ने अपना कलर चेंज करना स्टार्ट कर दिया है, आपको दिखा देते हैं जी, ये देखें बिल्कुल वाइट जो है, क्योंकि ये वाइट मीट है, बहुत मोस्टली जो पार्टरेज जो है स्पीशीज़ है इसका तकरीबन वाइट मीट है, जो तिलूर है उसका वाइट मीट है, तीतर काला हो, सफ़ेद हो, सीसी हो, चकोर हो, ये सब वाइट मीट है, और वाइट मीट बहुत बेहतरीन चीज़ है, शुतुरमुर्ग का वाइट मीट है, तो ये सारी चीज़ें जो है ना कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत अच्छी हैं, जितना मर्ज़ी आप इनको कंज्यूम करें कोई इतना मसला आपको नहीं बनता। और जो है ना जो रेड मीट है वो ज़्यादा थोड़ा होता है, तो उससे अवॉइड ही करना चाहिए, तो वाइट मीट का कोई इंशाल्लाह मसला है नहीं। तो अभी मेल्ट हो रहे हैं जी टमाटर, तकरीबन मेल्ट हो चुके हैं, तो अभी थोड़ा सा और कुक करेंगे, फिर हम इसमें सब्ज मिर्च और जो है ना आलू डाल देंगे। ये जी पोटैटोज भी डाल दिए हैं, जी दोस्तों तो ये हमने जी हमारा रेडी हो गया जी, और टॉपिंग के लिए ऊपर ग्रीन चिली आप काट के भी डाल सकते हैं, और ये देखिए जी बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी है जी,
सिंपल, आप किसी टाइम भी आप इसको जल्दी बना सकते हैं। साथ में जी पोटैटोज़ हैं और फ्राई मीट है। अच्छा जी दोस्तों, तो जो टेस्ट है ना जी मीट का, वो आलू के अंदर भी आ जाता है जब आप इनको एक साथ फ्राई करते हैं। बाकी ये जी बिल्कुल ये गल चुके हैं जी, टोटल 15 मिनट की ये रेसिपी है जी, ज़बरदस्त। थोड़ा सा स्पाइस अगर आप ज़्यादा चाहते हैं तो स्पाइस से ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। अभी जो इसका टेस्ट जो है, क्योंकि टमाटर के अंदर ये बना है तो थोड़ा सा खट्टा और थोड़ा सा स्पाइसी है, वो जिस तरह आप ऐड करना चाहें, ज़्यादा मिर्च डाल सकते हैं, बड़ा ज़बरदस्त है। ये बिल्कुल जी गल चुका है, दूसरी तरफ ये फाख्ता है जी, हालांकि सख्त चीज़ है लेकिन ये भी गल चुकी है। ये देखें जी, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।